लाइसेंस देने की बात हो रही है और नेपरा एक जाली किस्म की हेयरिंग करती है, चूंकि नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक माफिया का शैतानी इत्तेहाद है। इस शैतानी इत्तेहाद में दोबारा इनको लाइसेंस देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम भरपूर मुजाहमत कर रहे हैं। जमात इस्लामी वो एक पार्टी है, सिर्फ एक, जो नेपरा की हर हेयरिंग में शरीक होती है। कुछ अच्छे सहाफी भी इसमें बात करते हैं, कुछ अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बात करते हैं, लेकिन हुकूमत इसको मैनेज करती है कि नेपरा में भी जो के इलेक्ट्रिक के मनमाने लोग हैं, वो जो पसंदीदा लोग हैं, उनको भी वहां पर दो चार बातें करने का मौका मिल जाए ताकि बैलेंस हो जाए। और इस तरह ये जाली किस्म की हेयरिंग करके उनको सारी मराहत दे दी जाती है, जो कैसे कबूल की जा सकती है। अब तो तबाह करके रख दिया, बदतरीन तजर्बा हो गया 18 साल का। तो सीधा सीधा तरीका है कि जनरेशन कौमी तहवील में ले। हमारे पास जो एटमी प्लांट लगे हुए हैं कराची में, न्यूक्लियर प्लांट, उस न्यूक्लियर प्लांट से इस वक्त कितनी, तकरीबन 3000 मेगावाट के करीब बिजली प्रोड्यूस हो रही है और कराची की पूरी जरूरत ही 3200-3300 मेगावाट है। फिर जब नेशनल ग्रिड से इनको 1000 मेगावाट मिल रही है, तो जब आप 1000 मेगावाट दे रहे हैं तो आप अगर इसको 3000 मेगावाट दे दें, जो कि आपके पास मौजूद है, तो जान छुड़ा इनसे, तो कौमी तहवील में लें, स्टेक होल्डर को साथ मिलाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ मिलाएं, ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन चूंकि माफिया से किकबैक लेनी होती है गवर्नमेंट को, माल बनाना होता है, पहले तो मनसूख की बात करते थे, अब तो इनका टाइम पूरा हो गया है। जून में इनका टाइम 2023 का खत्म हो गया, आपने लाइसेंस मनसूख करने की तो जरूरत आप में नहीं थी, लेकिन टाइम पूरा हो गया। तो इस माफिया को मजीद मुसल्लत ना किया जाए, इसके मैक्सिमम शेयर्स गवर्नमेंट के तहवील में लें, और वही बात जनरेशन गवर्नमेंट की तहवील में लें, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीपल कंपनियों को इन्वाइट करें। हम तो पिछले लाइसेंस को समझते हैं कि इनको गलत दिया गया था, और ये हम सब चीजें जमा करा चुके हैं भाई जान, इतनी बड़ी पिटीशन है जो नेपरा में गई है, इसी को बेस बनाएंगे। जब नेपरा इनके साथ मिला होगा तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये सही काम नहीं करेंगे। ऐसे देखें, एक बात समझ लें, जमात इस्लामी के केस में हवाई फायर नहीं करते हम लोग, जो काम है पहले पूरा करके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।